हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का अपना वेबसाइट starkstudypoint.com में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों के लिए 2022 में आगामी एग्ज़ाम होगा, जिसका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं इंग्लिश का, जो कि आप लोगों को चैप्टर वाइज मैं कवर कराने वाली हूँ। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिसका लेखक है मार्टिन लूथर किंग। तो जो भी छात्र छात्राएं 1, 2, 3 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने मोस्ट वीवी क्वेश्चन बताई हूँ। अंग्रेजी के अलावा, इंग्लिश के अलावे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का अगर ट्वेल्थ के छात्र हैं तो मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है starkstudypoint.com, जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं या यूट्यूब पे या गूगल पे डायरेक्ट जाकर के सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आगामी एग्ज़ाम 2022 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अत्यधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगले चैप्टर 5 चैप्टर के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आई हैव अ ड्रीम, जिसका लेखक है मार्टिन लूथर किंग के संक्षिप्त जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है मार्टिन लूथर किंग, बॉर्न कितना है 1929 और डेथ 1968, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था और मृत्यु 1968 में। अ बैपिस्ट मिनिस्टर बाय द ट्रेनिंग बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज द कैरियर, लीडिंग द मोनेटिगमली बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फंड द सर्टन क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये जो थे मार्टिन लूथर किंग, एक ईसाई नेता जो अपने जीवन में शीघ्र मोंटगोमरी बस बॉयकॉट आंदोलन तथा दक्षिणी ईसाई के नेतृत्व सम्मेलन की स्थापना जैसे प्रयासों द्वारा सामाजिक अधिकारों के कार्यकर्ता बन गए थे। इसके बाद है उन्होंने इन्फ्लुएंस बाय द गांधी जी हिज द फिलॉसफी ऑफ नॉन वैलिएंट रेजिस्टेंस अबाउट हिम द वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इसके बाद उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर के अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, और उन्होंने क्या क्या किए थे अपने लाइफ में इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इन 1964 किंग बिकम्स द यंगेस्ट पर्सन टू द रिसीव एंड नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रेशंस एंड रेकल्स डिस्क्रिमिनेशंस थ्रूआउट द सिविल डिसऑबिडियंस एंड द अदर नॉन वायलेंट वे। इसके बाद उन्होंने कि सामाजिक बहिष्कार तथा अहिंसात्मक तरीकों के द्वारा लगाववाद तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के चलते 1964 में किंग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के आदमी बने। नेक्स्ट है लाइन, किंग वाज असेसिनेटेड ऑन April 4, 1960 इन द मेम्फिस द टेनेसी। किंग्स द इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द स्ट्रेंथ टू लव 1953, स्ट्राइड टुअर्ड द फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी 1958, व्हाई ही कैन नॉट वेट एंड द वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कुज और द कम्युनिटी, आई हैव अ ड्रीम इज अ
स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन हिज स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल्स इन द वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। इसके बाद उन्होंने 1964 में किंग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के आदमी बने। इसके बाद उन्होंने 4 अप्रैल 1906 यानी 1968 को टेनिस के टेम्पिस शहर में किंग की धोखे से हत्या कर दी गई। किंग की प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित है स्ट्रेंथ ऑफ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई ही कैंट वेट तथा वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, द कम्युनिटी, आई हैव ड्रीम, एक भाषण है जो कि उसने 28 अगस्त 1966 वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर दिए थे। नेक्स्ट है कि हियर ही द स्पीक अबाउट ही द ड्रीम ऑफ थिंग्स द लंबा एज अ डेवलपमेंट स्टेट फ्री ऑफ द रिकस डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, द स्पीच हैड द हंग्स इम्पोर्टेंट द राइजिंग पब्लिक कंसिक्वेंस फॉर सिविल राइट द मूवमेंट एंड इन द एस्टेब्लिश द किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स इन द अमेरिका हिस्ट्री। इसमें वह अलबामा को एक विकसित तथा श्वेत और काले के मध्य नस्लीय भेदभाव से रहित राज्य के रूप में देखने अपने स्वप्न के बारे में कहता है। इस भाषण में सामाजिक अधिकार आंदोलन के प्रति जनता में चेतना का संचार करने में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाया था। आई हैव अ ड्रीम जो कि वह एक स्पीच के रूप में दिया था वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को। इसके बाद कहता है उन्होंने कि किंग को अमेरिका इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक रूप में स्थापित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यह स्पीच के रूप में भाषण के रूप में दिया हुआ था अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो कि अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आई हैव अ ड्रीम का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी किसके द्वारा यह जो एक भाषण का भाग्य है वो किसके द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि आप लोगों को पहले भी मैं जिमनी परिचय में बता चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका टू नंबर। द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज, उसका किस तरह का कंडीशन था, किस तरह का स्थिति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ट्रेवल सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट, वो क्या थे, राइटर थे, ऑथर थे, उसके बाद पोएटर थे या लीडर थे। तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑरेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फोर नंबर। मार्टिन लूथर एडवोकेटेड नॉन वायलेंस मीन्स, तो नॉन वायलेंस का मीन्स क्या हुआ, मतलब तो स्ट्रगल, यानी वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर। द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज, उसका किस तरह का जीवन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सैडली क्रिप्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ द सेग्रेशन, जो कि एक त्याग बलिदान के तरह था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिक्स नंबर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अ सिविल राइट एडवेस्टीज, जो एक सभ्य सामाजिक इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति थे। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेवन नंबर। 100 ईयर्स लेटर एज द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज, यानी कि नेग्रो का एक साल 100 ईयर यानी 100 साल के बाद उसका जीवन किस प्रकार चेंज होता है, किस प्रकार बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चेंज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर। इट केम एज अ जेसियस डे ब्रेक टू इंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा एट नंबर का बी
द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर, नेग्रो इज द ग्रांटेड हिज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिटीजनशिप राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नेग्रो इज स्टिल सैडली द क्रिपलेट बाय द, इसका राइट आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, यानी वो कैसे थे, मैनिकल्स ऑफ द सेग्रेशन और क्लैम्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच, वो अपना भाषण कब डिलीवर्ड किए थे, कब दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अगस्त 1963, यानी कि 28 अगस्त 1963 ईस्वी को अपना स्पीच दिए थे, और कहाँ दिए थे, वाशिंगटन DC में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर, 13 नंबर, द मोनोटोगैमी स्टोरी इज द रिटन बाय, इसका राइट आंसर होगा सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी इसके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम इज अ वर्क ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी एक स्टोरी है जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि मार्टिन लूथर किंग वाज द एसोसिएटेड ऑन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए 4 अप्रैल 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम पेरिस इज द रिपीटेड, कितना बार रिपीट किया गया है, तो इसका सी 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द बॉर्न इन, कितना ईस्वी में इसका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1883 ईस्वी में, जो कि मोस्ट VBI है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रेकल। तो इस चैप्टर में हम लोग 1 to 18 चैप्टर का प्रैक्टिस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग आगामी एग्ज़ाम के लिए, और लास्ट में अपने चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए अगला चैप्टर का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।